अमरपाटन के भीष्मपुरा एवं रिकवार गांव में कोरोना संदिग्ध मिलने के बाद गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और जगह जगह पुलिस मुस्तैद है, जिसका जायजा लेने रीवा रेंज के डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा भीष्मपुर गांव पहुंचे। इस दौरान सतना पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी मौजूद रहे। डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा ने घरों से बाहर निकलने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए। देखिए, जैसे हम लोग को ये खबर मिली है, हमारे जो जिले के कप्तान और दूसरी टीम लोगों ने मिलकर के जो है इमिडिएटली ये क्षेत्र को कंटेनमेंट घोषित किया है। कंटेनमेंट घोषित किया गया तो इसका ये मतलब है कि उस एरिया से अब कोई बाहर जो है दूसरी जगह नहीं जाएगा जो है। तो हम लोगों ने और इनके जो जितने घर वाले थे इन सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए वहाँ पर सीधे ले जाया गया, क्या बोलते हैं, सतना जगह, ठीक है ना। वहाँ अलग अलग उनको रखा गया है ताकि यदि उसमें कोई सिम्टम आए तो उनका उसी तरह से उपचार चले, और जो ऑलरेडी पॉजिटिव है उसका उपचार वहीं चल रहा है। जहाँ तक इसके इस गांव के जो है कंटेनमेंट बनाया गया है तो इसको सारे रास्ते ब्लॉक करने के था और ब्लॉक किए भी गए हैं। जो कमियां रहेगी उसको हम लोग और उसको इसलिए देखने आए थे कि जो कोई कमी है तो उसको और रखें, क्योंकि यहाँ पे इस गांव में बताया गया कि इस गांव पंचायत में 250 से 300 लोग आए हैं बाहर से। हालाँकि सभी की चेकिंग हुई है और उसके बाद भी चूँकि आउटसाइड से आए हैं, साइलेंट कैरियर हो सकते हैं, इसी सावधानी की वजह से इसको चारों तरफ से अच्छे से ब्लॉक कराया जाता है ताकि कहीं और ये कोरोना किसी और को ना फैले।